नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक नया टॉपिक लेकर के। हालांकि ये नया टॉपिक भी पुराना ही है, हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश व्हेन वी लर्न अबाउट सम लैंग्वेजेस, फॉर एग्जांपल जर्मन, स्पेनिश, इंग्लिश, हिंदी। वी हैव टू नीड दैट द हाउ टू यूज देयर फार्मूलाज और द वर्ड्स इन द सेंटेंसेज और द टॉपिक इन द फ्लुएंट। तो सबसे पहली बात यहाँ पर यही आती है निकल के कि हम इंग्लिश को कैसे सीखें। मैं अभी इंग्लिश बोल रहा था, डायरेक्ट इंग्लिश में बोल दिया। कोई बच्चा पैदा हुआ है वो इंग्लिश माहौल में रहता ही नहीं है, कॉन्टिनेंट उसका इंग्लिश का है ही नहीं, उसने इंग्लिश के वर्ड कभी सुने ही नहीं, वो डायरेक्ट कैसे सीख जाएगा इंग्लिश। वो जिस लहजे में सीख रहा है वहाँ पर रह करके उसी लहजे में वो सीख पाएगा। आप कहोगे कि उसको डायरेक्ट इंग्लिश सिखा देंगे, नहीं सीख पाएगा। तो यदि आप इंडिया में रहने वाले लोग हो जहाँ हिंदी भाषा बहुत बोली जाती है, इसके पश्चिमी तटवर्ती इलाकों में या रेगिस्तानी इलाकों में चले जाओ जहाँ महाराष्ट्र और आपका गुजरात, राजस्थान जैसा इलाका आता है, केरल, कर्नाटक जैसा इलाका आता है जहाँ पर लोकल लैंग्वेज ज़्यादा बोली जाती है, इंग्लिश कम बोली जाती है। हालाँकि केरल कर्नाटक में इंग्लिश ठीक ठाक बोली जाती है क्योंकि गोवा वाला, पुर्तगालीज वाला मामला आता है, तो वहाँ के लोगों का जो रहन सहन है वो इंग्लिश लहजे में ठीक है। परंतु महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात में लोकल लैंग्वेज ज़्यादा प्रेफर की जाती है। तो यदि आपको लैंग्वेज सीखनी है तो पहले अपनी मातृभाषा या लोकल लैंग्वेज सीखें। मातृभाषा क्या है? आपकी हिंदी है। परंतु वास्तविक भाषा क्या है आपकी मातृभाषा, जो आपकी मम्मी बोलती है? मराठी, गुजराती, राजस्थानी, आप इसे मातृभाषा समझ रहे हैं। तो डिबेट कुछ और होता है और समझते कुछ और हैं अपन। यही लफड़ा है सीखने के लिए कि यदि आप कोई लैंग्वेज सीखना चाह रहे हो, यदि आप कोई रीजनिंग सीखना चाह रहे हो, यदि आप किसी सब्जेक्ट को सीखना चाह रहे हो तो पहले उसकी डेप्थ को तो जानो। आपको शब्द पता ही नहीं है इंग्लिश के, अब आप सोच रहे हो कि डायरेक्ट इंग्लिश बोलना आ जाए हमें, तो ऐसा होता ही नहीं है। बस आपने टीवी में देख रखा है कि यार अंग्रेज का बच्चा भी इंग्लिश में बात करता है। वो इसलिए बात करता है क्योंकि वो उस जगह पैदा हुआ है, जब तक उसकी परवरिश हुई है तब तक उसने वही शब्द सुने हैं। इसलिए इंग्लैंड में रहने वाला एक भिखारी भी इंग्लिश बोलता है जबकि वो स्कूल जाके पढ़ाई लिखाई नहीं किया। क्यों? देख दुखा करके सीख गया, जिस परिस्थिति में पला बड़ा है उसको देखने की वजह से सीख गया। परंतु हम रहते किसी और कॉन्टिनेंट में जहाँ वो लैंग्वेज इस्तेमाल होती ही नहीं है, हिंदी भाषी बेल्ट के लोग हैं। अब वहाँ पर कोई अन्य लैंग्वेज सीखना हो, अब जैसे मराठी भाषा वाला व्यक्ति अगर तमिल सीखने जाएगा तो उसको भी प्रॉब्लम आएगी। पहले उसको मराठी के ही शब्द सीखने पड़ेंगे, उसके बाद में उसको हिंदी के शब्द समझने पड़ेंगे, हिंदी में समझना पड़ेगा, फिर उसके बाद वो तमिल तेलुगु में सीख पाएगा। तो उसी प्रकार से जब भी लैंग्वेज सीखना पड़ता है हमें, तो सबसे पहले अपनी घर की बोलचाल की भाषा सीखते हैं, वहाँ से शब्द इकट्ठा करते हैं, ढेर सारे मिल जाते हैं, फिर उन शब्दों को किसी अन्य लैंग्वेज में डिक्शनरी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से ढूंढते हैं। परंतु वास्तव में सीखना क्या होता है? वास्तव में आपको अंग्रेजों को फॉलो करना है। उनका खान पान क्या है? खान पान क्यों जरूरी है? लैंग्वेज सीखने से खान पान का क्या लेना देना? टंग मूवमेंट के लिए, जो बॉडी की हार्मोनल एक्टिविटीज़ चल रही हैं उसके लिए, जो जबड़ा, आपका तालू, जीभ, दांत, गाल, जो आपका जॉ है, जबड़ा है, वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है शब्द के उच्चारण में, वो सारी बातें मायने रखाती है। और वो सब डिपेंड करता है हार्मोन्स के ऊपर, और हार्मोन्स डिपेंड करते हैं किए गए भोजन के ऊपर। आप इंडियन लैंग्वेज का तीखी सब्जी खा रहे हो और आपको आ बोलना है या सी बोलना है, अब आपको पता ही नहीं है कि अंग्रेज जब तीखा खाता है तो किस टाइप का प्रोनाउंस करता है किसी शब्द को, ये तमाम चीज़ें मायने रखाती है कि आपकी जो दिमाग की प्रोसेस है, कार्य करने की क्षमता है, वो किस भाषा या किस रहन सहन को बिलोंग करती है। ये तमाम चीज़ें आपकी होनी चाहिए, तब आप शुरुआत से सीख सकते हैं सब कुछ। अदरवाइज होता ये है कि आप सीखने बैठते हो फिर आपको एक लंबा टाइम लग जाता है सीखने। आप हिंदी भाषी बैठते हो, हिंदी इंडिया में जो खाना पकवान बनाए जाते हैं वो खाते हो, आप इंग्लिश बोल लेते हो ढंग से, मगर उसको सीखने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ गई, हार्मोन्स के ऊपर डबल हार्मोन्स, नेगेटिव हार्मोन्स आरोपित करके, फिर पॉजिटिव हार्मोन्स पैदा कराकर, फिर इंग्लिश भाषा को, दिमाग को समझाकर, फिर अपन उसको लहजे में ढाल पाए,
तो उसके लिए एक लंबी प्रोसेस लग गई। आप बोलो कि 2 दिन में सीख जाएंगे तो ऐसा नहीं होता है। बच्चा भी हिंदी बोलना भी सीखा है बच्चा तो उसको भी बरसों लग गए, कम से कम 2.5 से 3 साल 4 साल लग जाते हैं बच्चे को बोलना सीखने के लिए, एक पूरा वाक्य तैयार करने के लिए। दिमाग में उसका सोच लेता है वो, परंतु उसको मुंह से जबान का उपयोग करते हुए बोलने में कम से कम 4 साल लग जाते हैं। फिर भी वो ये नहीं बता पाता है कि वो शब्द क्या इंडिकेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा पैदा होता है, वो उसके माँ बाप को घर में बल्ब शब्द सुनता देखता है या टीवी शब्द सुनता देखता है। अब वो पहले तो छत पे देखता है कि यार यहाँ पर इस चीज़ को देख करके बल्ब कुछ बोल रहे थे। फिर क्या करता है वो, सबसे पहले पता करने की कोशिश करता है कि यार बल्ब किसको कह रहे थे, ये ऊपर जो हॉरिजॉन्टल है इसको बल्ब कह रहे थे, ये जो ऊपर दिख रहा है मेरे सर के ऊपर उसको बल्ब कह रहे थे, या जो मेरे साइड में दिख रही है ये लंबी चौड़ी चीज़ इसको बल्ब कह रहे थे, या इस लंबी चौड़ी चीज़ के ऊपर कुछ गोल गोल लगा हुआ है उसको बल्ब कह रहे थे, किस चीज़ को बल्ब कह रहे थे, ये सारी चीज़ें पता करने की कोशिश करता है बच्चा। तो कैसे करता है वो, ऐसे करता है वो पहले छत को बल्ब बोलता है, फिर उसके पापा मम्मी उसको बोलते बेटा वो बल्ब नहीं है छत, तो वो दिमाग में याद रखने की कोशिश करता है। फिर वो दीवार को बल्ब बोलता है, उसको डाउट रहता है दिमाग में कि यार ये गोल गोल दिख रही है यही है बल्ब, मगर वो डाउट क्लियर नहीं कर पाता है, स्वयं से क्लियर नहीं कर पाता है। वो डाउट क्लियर करने के लिए अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, वो तमाम एस्पेक्ट को ध्यान में रख लेता है और उसके बाद एक एक करके सारी चीज़ें नेगेटिव मार्किंग करता जाता है कि ये भी बल्ब नहीं है, ये भी बल्ब नहीं है, ये भी बल्ब नहीं है, फिर वो अकेला बच्चा तो वही बल्ब होगा। इस तरीके से दिमाग चलाता है। अब उच्चारण करने से क्या होता है, उच्चारण करने से लार बनती है मुंह के अंदर। आप ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं जिसकी वजह से क्रोध आता है, फॉर एग्जाम्पल एबिजिंग वर्ड, गालियाँ। जब आप किसी को गाली बक रहे होते हो या कोई ऐसी नेगेटिव बात कर रहे होते हो तो आपकी लार सूख जाती है, आप क्रोध में आ जाते हो, आपके दिमाग आवेशित हो जाता है, तो हार्मोन सही से पैदा नहीं हो पाते। अब आपने फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने चावल खाए हुए हैं और किसी ने आपको गाली बक दी, अब आप भी पलट के गाली बक रहे हो तो आपका खून उबाल हो गया, गर्म हो गया एकदम फुल, और आपने भी उसको 4 गालियाँ बक दी, पर आप इंग्लिश में गाली बकना चाह रहे थे पर बक ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि आपको न तो प्रैक्टिस थी, न तो हार्मोन को कंट्रोल करने की दक्षता थी आपके दिमाग में, न तो आपने कभी उन शब्दों को सुना था, भाई डायरेक्ट कहीं से सुन लिया कुछ भी ऐसा और करने लग गए, इसीलिए समस्याएं पैदा हो गई। अब आप सोच रहे हो कि वो समस्याएं एक करके दूर करते जाएंगे तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में आस्पेक्ट शब्द को आस्पेक्ट पढ़ा जाता है, जबकि इसी शब्द को इंग्लैंड में या अमेरिका में एस्पेक्ट पढ़ा जाता है, एस्पेक्ट, और ए का दोनों का एक साथ उच्चारण होता है एस्पेक्ट, जबकि इंडिया में शुद्ध आ बोलते हैं एस्पेक्ट, जबकि ए जो लेटर है इंग्लिश का उसके 2 उच्चारण निकल रहे हैं। इंग्लैंड और फॉरेन कंट्रीज या अमेरिका वगैरह जैसे देशों में ए को ए पढ़ा जाता है, जबकि इंडिया में ए को अ पढ़ा जाता है। देवनागरी लिपि में यदि मैं बात करूँ ए को कैसे लिखेंगे, तो इंडिया की देवनागरी लिपि में ए को अ लिखा जाता है, जबकि इंग्लैंड के उच्चारण को अगर मैं देवनागरी में लिखने की कोशिश करूँ तो ए को ए लिखा जाता है, एडी वाला ए। तो ये दोनों ही वॉवेल हैं, दोनों के ही उच्चारण में अंतर आ जाता है, जहाँ हम अ शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं वहीं वो ए शब्द इस्तेमाल करता है। तो बोलने में हार्मोनल एक्टिविटी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म न्यूरॉन सिस्टम को इंडिकेशन उस तरीके से देते हैं, इसीलिए दिमाग उस तरीके से काम करता है और फ्लुएंसी तब बनती है जब हम ये प्रोसेस बार बार दोहराते रहते हैं, दिमाग को रिकॉल कराते रहते हैं कि इसको इस शब्द को इस तरीके से इस्तेमाल करना है, इस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को इस तरीके से रखना है सेंटेंस में और उसका ये भाव जनरेट करना है। जब हम इन सभी चीज़ों के ऊपर बार बार प्रैक्टिस करते रहते हैं तब जाके हम फ्लुएंट हो पाते हैं किसी भी लैंग्वेज को बोलने में। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं दे रहा था, जैसे आपको मराठी सीखनी है, इंग्लिश सीखनी है, हिंदी सीखनी है, कोई भी लैंग्वेज सीखनी है, तो सबसे पहले अपनी मम्मी या अपने घर के अंदर जो आप
आपकी मदर या आपके फादर जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं पहले तो वही सीखते हैं बचपन से। आपके पास शब्द है, आप उन शब्द को डिक्शनरी या इंटरनेट के जरिए कहीं से ढूंढ लेते हैं। फिर बचता है तरीका सिर्फ उसको पैटर्न में जमाने का। उसके लिए फॉर्मूलाज होते हैं जिसके लिए ट्रांसलेशन होता है, उसको सीख लेते हैं। अब आखिरी में प्रोसेस बची सिर्फ एक और वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जिस इलाके में आप रह रहे हैं वहाँ तो प्रैक्टिस हो ही नहीं पाएगी आपकी, सब हिंदी बोलते हैं। आप अकेले हो जो इंग्लिश में बात करना चाह रहे हो, तो आपको अब ऐसा माहौल तैयार करना पड़ता है पहले कि वहाँ पर सभी लोग इंग्लिश लेटर ज़्यादा या इंग्लिश वर्ड ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर वो माहौल बनता है। उसके बाद आप बोलचाल की भाषा को लहजे में लाते, तब जाके आप किसी लैंग्वेज को पूरे तरीके से सीख पाते हो और फ्लुएंट हो पाते हो। क्योंकि आप कहोगे कि सर हमें ग्रामर पढ़ने की क्या ज़रूरत है, हमें उस शब्द का अर्थ जानने की क्या ज़रूरत है, बल्ब को बल्ब जान लिया वो नाउन है इसलिए बल्ब का अर्थ नहीं भी जानोगे तो चलेगा, परंतु जो क्रियाएं हैं उनके अर्थ जानना जरूरी। इन और इनटू दोनों का मतलब में निकलता है, परंतु उनके अर्थ डिफरेंट होते हैं। इन मतलब एक जगह बैठा हुआ आदमी, कमरे में बैठा है, एक जगह बैठा है मैं, इन लगाएंगे नदी में कूदा तो कूदता हुआ आदमी नदी में, तो उसमें के लिए इनटू लगाते हैं। इन अंतरों को जब हम समझ जाते हैं तभी इंग्लिश बोलना आता है, वरना जितने भी इंग्लिश बोलने वाले व्यक्ति रहते हैं वो अपने यहाँ पर स्कूल में जाकर के यही सब सीखते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग हिंदी भाषा बोलते हैं, मराठी भाषा बोलते हैं घर पर, परंतु हमें उसके मतलब नहीं पता रहते, वो मतलब हमें स्कूल में जा करके जब हम ग्रामर पढ़ते हैं, जब हम उस चीज़ की डेप्थ में उतरते हैं तब पता चलता है। तो इसी तरीके से कोई भी लैंग्वेज होती है, कोई भी रीजनिंग होती है, कोई भी सब्जेक्ट होता है, उसकी डेप्थ में जाने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो आपके पास शब्द हैं, लेटर्स हैं, शब्द हैं, ट्रांसलेशन की सुविधाएं हैं, माहौल है, और फिर आपको अब एक ही चीज़ करनी है और वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतनी ज़्यादा आप फ्लुएंट होते चले जाएंगे, उतने ही ज़्यादा आपकी फ्लुएंसी बढ़ती चली जाएगी, और फिर आप एक दिन ये महसूस करेंगे कि अब आपको उतना नहीं सोच विचार करना पड़ता। शुरू शुरू में बच्चों को बहुत सोच विचार करना पड़ता है बोलचाल करने में, मगर जब वो फ्लुएंट हो जाते हैं तो फिर उनको ज़्यादा सोच विचार नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट सेंटेंस धड़ाधड़ बनाते चले जाते हैं। तो इसी तरीके से जब आप किसी भी चीज़ को सीख जाएंगे तो उसमें फ्लुएंट हो जाएंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। आप देखते रहें सिकंदर्स वर्ल्ड, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।